का मामला ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने 14 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने ललित झा को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पहले प्लानिंग और फिर संसद में सेंध मारी। 13 दिसंबर को जिस तरह से संसद सुरक्षा में चूक हुई, उसकी जांच में पुलिस अब एक एक कड़ी जोड़ने में लगी है। प्लानिंग में और कितने लोग शामिल थे, इसको लेकर बड़ी छानबीन चल रही है। एक तरफ जहां गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ चल रही है, तो वहीं कुछ और आरोपी भी हिरासत में लिए गए हैं। वहीं सभी के बीच आज पांचवें आरोपी ललित झा को कोर्ट में पेश किया गया। ललित झा को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसको पेश किया गया। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में आरोपी ललित झा को 11 बजे के करीब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। तमाम दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी ललित झा को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं सरकारी वकील की तरफ से ये दलील दी गई कि ललित झा वो शख्स है जिसने तमाम आरोपियों के फोन जलाए, सबूत मिटाने में अहम रोल अदा किया है, इसलिए ललित झा को अलग अलग ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ करनी है, तस्दीक करनी है, इसलिए ललित झा की रिमांड की जरूरत है। वहीं बचाव पक्ष अपने बचाव में बहुत ज़्यादा अपनी बातों को नहीं रख पाया। तमाम दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ललित झा को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ललित झा को इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ललित झा ने ही प्रदर्शन का वीडियो भी बनाया था और वीडियो बनाने के बाद राजस्थान भाग गया था, जहां जाकर उसने सभी आरोपियों के फोन भी जला दिए। ललित झा लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बड़ा बाजार और बागुई हाटी इलाके में रहा था। वहां भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और लगातार जांच पड़ताल हो रही है। केस जिस स्टेज पर है, उस जगह पर तमाम जानकारी ओपन कोर्ट में नहीं दिया जा सकता है। लिखित तौर पर कोर्ट में तमाम जानकारी दी गई और इसी आधार पर बाकी आरोपियों को भी रिमांड बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पुलिस इन तमाम आरोपियों को अलग अलग ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ करेगी। पुलिस का ये भी कहना है कि आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेगी, ताकि पुलिस ये पता लगा सके कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में और कितने लोगों ने इनकी मदद की। इससे पहले कल पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड 15 दिन और बढ़ा दी। 4 आरोपियों को 5 जनवरी तक दिल्ली पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया। दरअसल पुलिस ने 4 आरोपियों की 15 दिन की रिमांड की मांग की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 7 दिन में कई अहम सबूत मिले और जांच में जुड़ी कुछ कड़ियां भी हाथ लगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो सबूत मिले हैं उनका आरोपियों के साथ मिलान करना बाकी है। वहीं नीलम की FIR उपलब्ध करवाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया। कल नीलम के घर वालों की FIR उपलब्ध करवाने की मांग को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर किया था और दिल्ली पुलिस को 24 घंटे के अंदर FIR की कॉपी मुहैया करवाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि हर दूसरे दिन नीलम के परिवार वाले और वकील नीलम से 15 मिनट के लिए मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी इतनी दूरी पर मौजूद रहेंगे, जिससे कि वो मुलाकात को देख तो सके लेकिन सुन न सके। एक्यूज का राइट है, ठीक है, अगर चीजें आप सबको बताएगी, सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी है कि इन्होंने क्या किया, किस किस का क्या नाम है, फिर भी ये कह रहे कि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमने कहा कि आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट हैव टू एक्सप्लेन कि सेंसिटिव इसमें है क्या। इस बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने कर्नाटक की बागलकोट से साई कृष्ण नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया, जो मनोरंजन का दोस्त बताया जा रहा है। तो वही यूपी के जालौन से भी इस पूरे मामले के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उरई के रहने वाले अतुल कुलश्रेष्ठ नाम के युवक को हिरासत में लिया है। अतुल भगत सिंह फैंस क्लब से जुड़ा था और गिरफ्तार आरोपियों से सोशल मीडिया के जरिए चैट किया था। इसके अलावा किसान आंदोलन में भी अतुल की सक्रिय भूमिका रही है। ऐसा कुछ है ही नहीं, पहले चीज तो 6 महीने पहले उन्होंने हमसे बहुत बोला था कि 6 महीने पहले भाई ऐसे कर्म ग्रुप में उन्होंने किसी ने जोड़ दिया था, तो बोली और ज्यादा तो फेसबुक ऐसे चला नहीं पाते टैब वगैरह, तो जैसे उनको जानकारी नहीं है उसी संबंधित कोई मामला है, अगर मामला है तो लेकिन आप मेन लोगों को पकड़ो ना, भाई पिताजी क्यों पकड़े तो कारण बताओ क्यों पकड़े। दूसरी तरफ संसद में सुरक्षा संबंधी जांच का जिम्मा CISF के हवाले कर दिया गया है। CISF अब तलाशी लेने समेत कई अहम जांच करेगी। CISF की तैनाती सिक्योरिटी विंग और फायर विंग में की जाएगी। गृह मंत्रालय ने CISF को इस संबंध में संसद परिसर का सर्वे करने के लिए कहा।
सर्वे के बाद सीआईएसएफ चार्ज ने की। ये कदम सुरक्षा चूक की जांच कमेटी की सिफारिश के बाद उठाया गया है। फिलहाल इस मामले में अभी कई अहम खुलासे होने बाकी हैं। पुलिस उन सभी संदिग्धों से भी राज उगलवाने की कोशिश में है जो सोशल मीडिया के जरिए आरोपियों के साथ जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।